नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जे के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सीआरटी टीवी आया हुआ है जिसमें दोस्तों चाइना की किट लगी हुई है। दोस्तों उसमें आप प्रॉब्लम देख पा रहे होगे आपकी, इसमें कलर जो आ रहे हैं हमारे वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से इसमें फॉल्ट है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों ज़्यादातर ये वाला फॉल्ट जो हमारा क्रिस्टल का भी नहीं आता है, अगर जो क्रिस्टल का फॉल्ट होता है दोस्तों इस पर ब्लैक एंड वाइट हमारी पिक्चर देखने को मिलती, अगर जो इसका फॉल्ट क्रिस्टल में होता तो हमारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट देखने को मिलती, लेकिन ये पिक्चर ब्लैक एंड वाइट नहीं आ रही है। इसका फॉल्ट जो है दोस्तों, जहाँ हमारे कलर फिल्टर होते हैं, कलर फिल्टर होते हैं वहाँ का ये वाला फॉल्ट है। तो दोस्तों ये वाला फॉल्ट जो आता है दोस्तों ये वाला फॉल्ट जो हमें देखने को मिलेगा 44, 45 और 46 इन पिनों पर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनों पर ये वाला फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके एक एक वोल्टेज मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये वाला फॉल्ट वाकई वहीं 44, 45 और 46 पिन पर है या और कहीं है। तो देखते रहिए जे के इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैंने अपना मीटर लगा लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 44 पिन पर हम वोल्टेज चेक करते हैं, हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। 44 पिन आप देख रहे हो, यहाँ पर 45 नंबर लिखा हुआ है, 45 नंबर लिखा हुआ है। हम 44 पर देखते हैं, सबसे पहले 44 पिन पर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। देखिए 44वें पिन पर हमें 2.2 वोल्टेज मिल रहे हैं। 44वें पिन पर हमें 2.2 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। 45वीं पिन हमारी यहाँ पर है दोस्तों, जो कि इस पर 2.7 वोल्टेज है। और 46वीं पिन हमारी दोस्तों यहाँ पर है, जो कि हमें 1.9 वोल्टेज मिल रहे हैं। दोस्तों इसके वोल्टेज तो एक्यूरेट हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें हमारे कलर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि इस पर दो कंडेंसर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर और एक यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर 1.1 UF 5 वोल्ट 50 वोल्टेज का कंडेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो दोस्तों लगा हुआ है 0.22 और 50 वोल्ट का यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, यानी कि 0.22 का कंडेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर से कंडेंसर लगा के देखते हैं कि हमारे कलरों में कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है। मैंने ये कंडेंसर लिया है 1 MVD 50 वोल्ट का, और अब मैं इसको लगा के देखता हूँ कि हमारे कलर सही होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से ही लगा के देखते हैं, क्योंकि अगर जो है कंडेंसर हमारा शॉर्ट होता तो दोस्तों वोल्टेज डाउन हो जाते, लेकिन शॉर्ट नहीं है। सबसे पहले हम ऊपर से ही लगा के देख लेते हैं इस पर, मैंने ऊपर से लगा के चेक करता हूँ। देखिए इस पर कलरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अब हम दूसरा कंडेंसर लगा के देखते हैं, जो कि 0.22 50 वोल्टेज का है। दोस्तों अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन। देखिए ये वाला कंडेंसर मैं आपको दिखाता हूँ, 0.22 का है। और अब हम इसको लगा के चेक करते हैं कि हमारे कलरों में कोई फ़र्क पड़ता है, हमारे कलर सही होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों इस कंडेंसर को लगाने से हमारे कलर प्रॉपर तरीके से सही हो गए हैं। देखिए इस कंडेंसर को मैंने जैसे टच करता हूँ एकदम कलर हमारे बेहतरीन हो जाते हैं, और जैसे मैं हटाता हूँ इस पर वही प्रॉब्लम आ जाती है। इसका मतलब ये वाला कंडेंसर हमारा काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों यहाँ से हमारा फॉल्ट कलर गेरू कलर का भी आ जाता है, जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से भी हमारा कलर आ जाता है। तो दोस्तों हम इस कंडेंसर को रिप्लेस करते हैं और देखते हैं। दोस्तों मैंने कंडेंसर रिप्लेस कर दिया और अब हम देखते हैं।
दोस्तों हमारे कलर अब एकदम बढ़िया हो गए हैं दोस्तों। ज़्यादातर ये वाला फॉल्ट जो हमारा देखने को मिलता है 44, 45 और 46 पिन पे ही देखने को मिलता है। ये हमारे रेसिंग भी इसमें काम नहीं करती है कभी कभी, और हमारा कंडेंसर भी ख़राब हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों अगर जो आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे कि मैं CRT TV पर भी आपको वीडियो एक से एक फॉल्ट वाली ला सकूं, जिससे कि आपको फॉल्ट रिपेयर करने में आसानी होगी और आप इजीली से टीवी रिपेयर कर सकते हो।